Hello dear students, welcome to YouTube channel of Rajiv Gupta's chemistry. आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज. इसमें 12th और 11th के सिलेबस की बात करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस की. तो क्लास 12th में जो पहला टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं इसका नाम है सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस टॉपिक में बहुत सारे सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे. इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग छोटे छोटे वीडियोज में बात करेंगे, जो पहला टॉपिक है आपका वो है कंसंट्रेशन टर्म. बेसिकली आप कह सकते हो कि ये 11th का रिवीजन टॉपिक है. 11th में आपने नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन इन सब पढ़ा था. उसी को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सॉल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है. तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स. तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशंस में क्या है. सॉल्यूशन मतलब एक दो सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर. तो इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो यूनिट्स हैं. सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है, कैसे डिजॉल्व है, उसी रिप्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म या कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला टर्म की बात करने वाले हैं इसका नाम है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेना है. कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब पहले ये क्लियर समझ लो. जैसे मान लो हम लोग कहें 10 ग्राम NaCl को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोला गया, 1 लीटर पानी में घोला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 ग्राम पर लीटर. तो ये एक कंसंट्रेशन टर्म हुआ जिसका नाम है ग्राम पर लीटर. उसी तरीके से मोलैरिटी, मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है. अब जैसे आप देखो अपने बता ना ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर जैसा ही कंसंट्रेशन टर्म ये भी है, थोड़ा सा और एडवांस टर्म है. तो सबसे पहले तो देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अब हम लोग जो जो टर्म पढ़ने वाले हैं इसमें से कुछ टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और कुछ टर्म टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होंगे. टेम्परेचर डिपेंडेंट हमेशा वो टर्म्स होंगे जिसमें वॉल्यूम टर्म यूज होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसलिए वॉल्यूम टर्म जहां भी यूज होगा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का, वहां पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आ जाएगी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स लिया जा रहा है. जैसे हमने बोला था अभी ना ग्राम पर लीटर, तो अब यहां ग्राम की जगह क्या है, मोल, और यहां पे सॉल्यूशन लिया जाएगा और कितना लिया जाएगा, 1 लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, अब सॉल्यूट आया तो सॉल्वेंट भी एक टर्म होगा. तो हम एक बात समझ लें इसमें क्लियर कि जब भी हम आगे जितना भी पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक टर्म ले रहा हूं, जहां भी हम ए यूज करेंगे आप समझ जाना कि वहां पे किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की, और जहां भी हम बी यूज करेंगे वहां पे किसकी बात हो रही होगी, सॉल्यूट की. ठीक है, चलिए. तो अब हमने देखा कि इसमें क्या कहा गया. इसमें कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन. तो हम लोग कहें मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हुआ मोलैरिटी. मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी. एन बी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी इज सॉल्यूट. ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. कैपिटल वी यहां क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो एन बी को हमने क्या कहा, ये क्या चीज है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एन बी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और कैपिटल वी क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये कंपल्सरी है कि ये किसमें होना चाहिए, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब चूंकि आप बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन सीरीज है, तो इसमें थोड़ा डेरिवेशंस भी आपके यहाँ आते हैं बोर्ड में,
तो हम लोग डेरिवेशंस की थोड़ी बात करेंगे, इससे कौन कौन से फॉर्मूले आप डेराइव कर सकते हो। तो चलिए देखें, NB दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे हम लोगों ने WB लिया, ये गिवन मास हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या ले लिया MB, तो MB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। देन V, कैपिटल V इज इक्वल टू हमने ले लिया सपोज स्मॉल V अपॉन 1000। मतलब अब क्या हो गया, देखो ये वॉल्यूम किसमें था, लीटर में। अगर आप सीसी को या एमएल को 1000 से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, लीटर। तो यहां पे जो ये है ये क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा इस इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। आप यहां देखो M इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू हमने लिख दिया WB बाई MB अपॉन स्मॉल V बाई 1000, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ये एक आपको मोलैरिटी का रिलेशन मिल गया, क्लियर। हम लोग एक ऐसा रिलेशन निकालने वाले हैं, कई सारे टर्म आगे जो पढ़ेंगे मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी सबको आपस में रिलेट करना, सब में एक टर्म कॉमन आएगा दैट इज WB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के टर्म में अगर रिलेशन निकाल ले तो आप देखो क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल टू देखिए M MB V अपॉन 1000, ये आ गया एक रिलेशन। अब देखो रिलेशन ये है लेकिन इससे बहुत सारे रिलेशन आप और डेराइव कर लीजिए ताकि इन रिलेशन से आप और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। अभी हम लोग और डेराइव करके देखेंगे इन रिलेशंस में। देखो ये क्या है, WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। M क्या चीज है, मोलैरिटी। MB क्या चीज है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बिकॉज B लिखा हुआ। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc, सॉरी यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc और ml स्मॉल v। कैपिटल V क्या था, लीटर में था, ठीक है 1000, ठीक है। अब एक रिलेशन तो ये हो गया, इस रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां बहुत सारे हैं, अभी शीट हम आपको देंगे जो इसमें, तो उसमें वो क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर इसको हम देखें तो WB अपॉन, आगे रिलेशन और निकाल सकते हो आप, WB अपॉन हम लिख देते हैं MB, WB अपॉन MB इज मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मोल, यहां पे क्या हो जाएगा MV बाय 1000, ठीक है। इसका मतलब एक रिलेशन और मिल गया, मोल इज इक्वल टू MV बाय 1000, मोल इज इक्वल टू एम वी बाई 1000, ये रिलेशन और आपके पास एक आ गया। अब ये V किस में था, ml या cc में था, ठीक है मोल इज इक्वल टू। अब आप ये देखो, अब जब मोल निकाल लिया है, मोल को अगर मिली मोल में हम कन्वर्ट करना चाहें तो मोल इज इक्वल टू, इसको मिली मोल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो मोल, भाई सीधी बात है, मिली मोल मतलब 10 to the power 3, एक मोल में कितने मिली मोल, 10 to the power 3, ठीक है। तो अगर हम मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, देखो मिली मोल से भी पूछा जा सकता है, मिली मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने मोल थे उसमें 10 to the power 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो मिली मोल इज इक्वल टू मोल कितना है, एम वी by 1000 into 1000, ठीक है 1000 कैंसिल हो गया, m into क्या आ गया v, मतलब मिली मोल अगर आपसे पूछा जाए मिली मोल तो मिली मोल इज इक्वल टू mv, mv किसमें, ये क्या चीज है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, और ये था मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब देखिए ये बात हो गई मिलीमोल की, यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़े से और रिलेशंस देखे जाए जो मोलैरिटी के डायरेक्ट रिलेशंस होंगे, ठीक है? तो मोलैरिटी के डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम लोग देखें कि आप मिलीमोल जैसे निकाले हैं, इसी तरीके से एक और रिलेशन आप मोलैरिटी का चेक करो कि मिक्सचर की मोलैरिटी अगर आ जाए कभी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो होती है किसी, मान लीजिए आपने दो लिक्विड्स को मिला दिया, दो सॉल्यूशंस को मिला दिया, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर दो को तीन को जितने को भी मिला दें तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो आएगा, मिक्सचर की मोलैरिटी ऐसे निकालते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MV। अब यहाँ पे देखो ये हमने रिलेशन एक दिया M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, मान लीजिए चार है तो M4V4 इज इक्वल टू MV। तो ये M1V1 ये पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम, दूसरे वाले का मोलैरिटी और वॉल्यूम, तीसरे वाले का मोलैरिटी और वॉल्यूम। M क्या चीज है? M किसका है? M इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है? और V क्या चीज है? V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने आप ऐड करोगे जितने वॉल्यूम वही सब ऐड होके क्या बनेगा? V। बिकॉज आप एक बात ध्यान रखना, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन इज नॉट एडिटिव। कंसंट्रेशन टर्म जो है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो आप उसमें समझोगे। तो पहले ये बात समझ लो, इसमें कंसंट्रेशन नॉट एडिटिव, कंसंट्रेशन टर्म एडिटिव नहीं है, ठीक है? और वॉल्यूम जो टर्म है, वॉल्यूम ये एडिटिव टर्म है। वॉल्यूम कैसा टर्म है? एडिटिव। मतलब आप खुद सोचो, देखिए ऐसे कॉमन सेंस एकदम लगाओ कि हमने क्या किया, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक है? 1 लीटर पानी में 10 मोल नमक डाल दिया, मोल सोचो, ठीक है? 10 मोल पर लीटर NaCl हो गया, और एक और लिया 10 मोल पर लीटर, मतलब 2 लीटर टोटल हुआ। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि NaCl का मोल 10 और 10 20 हो जाए, ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की आगे बात करेंगे, ठीक है? अभी वॉल्यूम, लेकिन अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो वॉल्यूम 1 और 1 लीटर मिलके कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो वॉल्यूम एडिटिव टर्म है और कंसंट्रेशन एडिटिव टर्म नहीं है, ठीक है भाई? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो ये आपने देखा मोलैरिटी, मोलैरिटी और उसके रिलेशंस, इन रिलेशंस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें थोड़ा कि मोलैरिटी में और क्या बातें कर सकते हैं, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन टर्म में और क्या बातें कर सकते हैं। आप देखिए मोलैरिटी में एक, अब हम लोग ऐसा करेंगे, अभी जब आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स बता देंगे तब आपको आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूलेज बताएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब आता है, डेरिवेशन आया तब तो आप ठीक है, क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। अब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कई बार ऐसा होता है फॉर्मूला डेराइव नहीं करना चाहिए, याद करना चाहिए कि याद करके डायरेक्ट हम लगा लें, जब डेरिवेशन आएगा तो अलग बात है। तो अभी हम आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जब बता लेंगे तो आपको एक साथ कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज बता देंगे जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स यूज हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात आपने की मोलैरिटी की, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है मोलैलिटी। देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैलिटी एक टेम्परेचर,
इंडिपेंडेंट फेनोमेना है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का मतलब इसमें वॉल्यूम यूज नहीं होने वाला है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फेनोमेना। मोलैलिटी है क्या चीज, वैसे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, टर्म में आपको वर्ड पे ध्यान देना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज किया गया लेकिन यहां यूज किया गया 1 kg और क्या यूज किया गया है सॉल्वेंट, वहां पे क्या यूज किया था मोलैरिटी में सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसमें देखते हैं इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं। मोलैरिटी इज स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी आपको a और b के बारे में बता दिया था, सॉरी a और b के बारे में बता दिया था, तो nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दिस इज कैपिटल WA, कैपिटल WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल है, और ये क्या चीज है सॉल्वेंट है, इन किस में है ये kg में। ठीक है भाई, ये kg में सॉल्वेंट हो गया और nb क्या हो गया सॉल्यूट, ये हो गई मोलैलिटी। तो अब अगर nb की बात करें तो जैसे पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, wb अपॉन mb मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर WA की बात करें कैपिटल WA की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल WA अपॉन 1000। ये स्मॉल WA जो है वो क्या चीज है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अब आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इसको आपने मोलैलिटी के साथ यूज किया तो आप देखो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इस टर्म को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये मोलैलिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आ गया। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अच्छा, इन टर्म्स को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि WB, MB, WA खाली याद रख लिया, ग्राम में है kg में है, बिकॉज आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये WB क्या चीज है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 1000, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हमने कहा है सारे टर्म्स को आप WB के रिस्पेक्ट में निकालिए, सबको रिलेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो WB के टर्म में अगर आप निकालोगे तो आप देखो क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल टू m MB WA अपॉन 1000, ये हो गया WB। ठीक है, तो क्या हो गया, WB इज इक्वल टू m MB WA अपॉन 1000 हो गया, तो ये मोलैलिटी रिलेशन हो गया। क्लियर है, ये आपका मोलैलिटी रिलेशन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अभी हमने कहा आगे के टर्मिनोलॉजी जब पढ़ लेंगे तब आपको मोलैलिटी को और सबसे रिलेट करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब एक बात और इसमें समझो कि जो मोलैलिटी टर्म है वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में बेस्ट टर्म माना जाता है। मोलैलिटी जो टर्म है बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, यहां लिख देता हूं, मोलैलिटी इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कंसंट्रेशन दिखाने के लिए मोलैलिटी सबसे अच्छा टर्म हुआ मोलैलिटी से, और आगे भी जो आप पढ़ने वाले हो उससे, बिकॉज ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। मोलैरिटी नॉर्मैलिटी ये सब टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं और ये टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, तो जो टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा वो अच्छा कंसंट्रेशन टर्म होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? चलिए एक और टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं जरा,
जिसका नाम है नॉर्मैलिटी. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मैलिटी. ये आप लोग जो टर्म हम पढ़ रहे हैं, ये आप एक तरीके से आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है. लेकिन हम लोग चूंकि सॉल्यूशन में इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, तो हम लोग इसको बात कर रहे हैं. नॉर्मैलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है. कैसा टर्म है ये भी? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म नॉर्मैलिटी है. पहली बात, नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं. अब नॉर्मैलिटी क्या चीज है, कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर देखिए कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वही पहुंच गया जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा था. वहां पे मोल टर्म यूज किया था और यहां पे यूज कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. कोई कंफ्यूजन है यहां पे? चलिए, तो अब हम लोग इतना तो जानते हैं 11th क्लास. अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा 11th का आप रिवाइज कर लोगे. इक्विवेलेंट वेट किसको कहते थे, ठीक है. तो अगर हम ये जानेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. अब यहां पे अगर आप डेरिवेशन इसका देखोगे तो आप देखो यहां पे हमने कहा नॉर्मैलिटी, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम. किसमें? इन लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है. चलिए, तो अब ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, जैसे मोल होता था, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जैसे मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरीके से वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट. क्लियर? तो ये वेट किसका हो गया? सॉल्यूट. अब बार बार हम लोग नहीं बात करेंगे, पहले देख चुके हैं. बी इज सॉल्यूट एंड EB इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. क्लियर? चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था कैपिटल V. इसको ml भी या cc में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अपॉन 1000. ml और cc अपॉन 1000 इज इक्वल टू लीटर. तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ किसका हो गया ये भाई? सॉल्यूशन का, ठीक है. यहां तक कोई डाउट? चलिए, इसको भी वैल्यूज रख के इसी तरीके से डिराइव कर लेते हैं. चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करते हैं. इसमें देखिए, अब हम लोग देखें जरा कि इसको नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू बी अपॉन ई बी अपॉन स्मॉल वी अपॉन 1000. तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी. ये आपका नॉर्मैलिटी रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है. उसी तरीके से जैसे मोलैरिटी मोलैरिटी रिलेशन निकला था. आप देखो, नॉर्मैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन इन ml और cc. तो हम लोगों ने कहा था इसी टर्म में सबको रिलेट करते हैं. तो WB इज इक्वल टू n EB V अपॉन क्या हो जाएगा? 1000. क्लियर है? तो ये WB हो गया. एक रिलेशन आपका ये निकल गया जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए आपसे, ठीक है भाई. चलो, अब थोड़ा सा और रिलेट करो. WB अपॉन EB ले आते हैं इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? NV by 1000, है ना. तो WB by EB को क्या कहते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे वहां मोल, वैसे यहां ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम क्या कहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एनवी बाई 1000। ये आपका एक रिलेशन निकल गया। अब सोचो मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग अगर मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं जैसे मोल का पढ़ा था, मिली मोल इज इक्वल टू मोल इंटू 10^3, है ना? तो वैसे ही मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 10^3। तो हम क्या कह सकते हैं? मिली इक्विवेलेंट, देखना भाई, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एनवी बाई 1000 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 कैंसिल हो गया। मिली इक्विवेलेंट को शॉर्ट में हम लोग एम ई क्यू भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू एनवी। अब ये ध्यान रखना है, ये वी किस में है भाई? यहां लिख देता हूं, एमएल में है तभी ये मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो हमने कहा वैसे ही रिलेशन देख लिया जैसे आपने मोलैरिटी के लिए देखा था, ठीक है? कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अभी आप बता दीजिएगा, अभी बताऊंगा कैसे आपको डाउट और जो कंफ्यूजन है वो आप कैसे बता सकते हैं हमें। चलिए अभी आप आगे देखते हैं, ये हमारा निकल गया मिली इक्विवेलेंट। अब उसी तरीके से जैसे मोलैरिटी था वैसे ही नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर की बात करो, तो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर अगर देखें तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV। एग्जैक्टली वही रिलेशन आया जो किसका रिलेशन आया था? मोलैरिटी का, ठीक है? यहाँ पे N जो है वो क्या चीज है? नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर। N क्या चीज है? नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर। और V क्या चीज है? V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने आपसे बताया है कि वॉल्यूम एडिटिव है और कंसंट्रेशन एडिटिव टर्म नहीं है, ठीक है? एक जैसे आपने लिखा नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर N1V1 प्लस N2V2 ऐसा जोड़ दिया, यहीं पे एक छोटा सा टर्म हम लोग देख लेते हैं नॉर्मैलिटी में। अभी हमने कहा और रिलेशंस आपको बताएंगे, एक छोटा सा टर्म होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मैलिटी रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मैलिटी रिलेशन। ध्यान देना भाई जरा, यहां नॉर्मैलिटी रिलेशन से ही ये जो हम ले आ रहे हैं ये कहां से ले आ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला हम ले आ रहे हैं नॉर्मैलिटी रिलेशन से। जैसा नॉर्मैलिटी रिलेशन वैसे ही मोलैरिटी रिलेशन। नॉर्मैलिटी रिलेशन बेसिकली क्या होता है? हम कहते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी तरीके से M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये कैसे आया है? आप देखो थोड़ा सा डेरिवेशन देख लें दो लाइन का। A प्लस B कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, A प्लस B गिव प्रोडक्ट, ठीक है? तो नॉर्मैलिटी रिलेशन में एक छोटा सा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? कहता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट विद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या कहा गया इसमें? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करता है। मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट ए का बी के ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई? तो अब इसका क्या मतलब हुआ? हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी, ये कह सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी, तो ग्राम इक्वलेंट में हमें पता है ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्वलेंट वेट। अभी हम लोगों ने कहा है वेट अपॉन इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट, तो वेट अपॉन इक्वलेंट वेट मतलब हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान देना भाई, हमने मान लिया ए के लिए ग्राम इक्वलेंट हमने मान लिया N1V1 और बी के लिए मान लिया N2V2, तो आप देखो ग्राम इक्वलेंट वेट अपॉन इक्वलेंट वेट लिख दें, मतलब ए के लिए अगर हम लिखें तो WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB। अच्छा यहाँ पे ये मतलब सॉल्वेंट मत समझना, हम A किसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए ग्राम इक्वलेंट ऑफ A के लिए, तो WA अपॉन EA WA के लिए मतलब इसके लिए हमने N1V1 मान लिया, ये देखो W by E is equal to NV by 1000, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं N1V1 upon 1000 is equal to N2V2 upon 1000, मतलब ये क्या आ गया N1V1 is equal to N2V2, इसका नाम है normality relation, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक बात करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग इसके आगे कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियोस में जो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियोज अगर अच्छे लगेंगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।